हैं। दीपक देखिए, ये चौथा समन था जब वो हाजिर हुए, तीन बार वो पहुंचे नहीं, चौथी बार जब ईडी ने समन किया तब विष्णु अग्रवाल पहुंचे पूछताछ के लिए, वो ईडी दफ्तर पहुंचे और आखिरकार गिरफ्तारी। क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया था जमीन घोटाले का, नाम इनका भी आया था और उस तरह पूछताछ चल रही थी, जांच आगे बढ़ रही थी और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना। लेकिन कल जब पहुंचे पूछताछ में कई तथ्य सही पाए गए और उसके बाद देर रात गिरफ्तारी विष्णु अग्रवाल की। आपने सही कहा कि सेना की कब्जे वाली जमीन से सबसे पहले जांच शुरू हुई ईडी की, और उसके बाद चेसायर होम स्थित जो जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री हुई वहां तक जा पहुंची। और सेना जो जमीन घोटाला मामले में अगर बात करें तो कुल अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विष्णु अग्रवाल जो रांची के एक बड़े व्यवसायी है, उनको समन जारी कर कई बार ईडी दफ्तर बुलाया गया था। पहली बार जब ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो महज 3 घंटा ही उनसे पूछताछ हो पाई थी और सेहत खराब होने की वजह से वो उसकी पूछताछ नहीं हुई थी। उसके बाद कई बार सेहत का हवाला देते हुए वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे और कल आखिरकार जब चौथा समन के आधार जो जारी किया गया था ईडी के द्वारा और ईडी दफ्तर बुलाया गया था, तो कल वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे, पूछताछ हुई और एक लंबी पूछताछ के बाद रात करीब 10 बजे के आसपास जो है ईडी विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी हो गई है तो अब जो आगे का प्रोसीडिंग होगा, उनका मेडिकल जांच होगा, मेडिकल जांच के बाद ईडी की विशेष अदालत में उसे पेश किया जाएगा और संभवतः ईडी की विशेष अदालत में पेश करने के दरमियान ईडी रिमांड पिटीशन देकर रिमांड की भी मांग कर सकती है। और जिस तरह से जमीन घोटाला जो राजधानी रांची में हुआ है, सबसे पहले जो कार्रवाई है ईडी की और बड़ी कार्रवाई वो बीते 13 और 14 अप्रैल को देखने को मिला, जब निलंबित आयोग छवि रंजन समेत कई अलग अलग लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में उसी दिन 13 अप्रैल को ही कुल 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई, अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, दिलीप घोष की गिरफ्तारी हुई। तो जितने भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा जमीन में क्या अवैध तरीका से खरीद बिक्री में, चाहे वो अफसर हो, पदाधिकारी हो, या फिर जमीन की खरीद बिक्री करने वाले व्यवसायी हो, या फिर जमीन का जो फर्जी तरीका से जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर मूल रैयत बनने का दावा करने वाले लोग हो, तो ये सभी लोग जो है ईडी के घेरे में आया और ईडी इन सभी को दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ में जैसे जैसे तथ्य मिलता गया उसी के आधार पर लगातार कार्रवाई हुई। इस तरह से हमने कहा कि पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी ईडी ने की 13 अप्रैल को, उसके बाद 4 मई को निलंबित आयुक्त छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद व्यवसायी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष जिसे कोलकाता से ईडी ने गिरफ्तार किया, और उसके बाद कल जिस तरह से व्यवसायी अमित अग्रवाल को ईडी दफ्तर में पूछताछ के दरमियान रात 10 बजे के आसपास उसकी गिरफ्तारी की गई, तो कह सकते हैं कि ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार चल रहा है। 13 और 14 अप्रैल से जो शुरू हुई है तब से लेकर के अभी तक की बात करें तो लगातार इसमें जैसे जैसे तथ्य मिल रहा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है और उसके आधार पर जो है ईडी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है। क्योंकि जमीन राजधानी रांची में जिस तरह से जमीन का वैल्यूएशन बढ़ रहा है और यहाँ जमीन को लेकर के जमीन का अवैध तरीका से जो खेल है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हमने देखा भी कि जमीन विवाद में किस तरह से जो है खुली संघर्ष भी लगातार होता रहा है, जो बीते दिनों भी सड़कों पर भी देखने को मिला कि किस तरह से सुभाष मुंडा जो CPIM के एक बहुत बड़े नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसकी हत्या जो है वो की गई, तो वो भी कहीं ना कहीं जमीन विवाद का ही जो है मामला सामने अभी फिलहाल आ रहा है। और इसी बीच ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी राजधानी रांची में जो जमीन का अवैध तरीका से खरीद बिक्री का जो खेल है वो थम नहीं रहा है। और जहां तक ईडी की अगर कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन से ईडी की जांच शुरू हुई और उस जांच के बाद आप देखेंगे तो चेसायर होम में जिस तरह से जमीन जो की खरीद बिक्री अवैध तरीका से हुई वहां तक जा पहुंची, बजरा मौजा में भी 7 एकड़ 19 डिसमिल लगभग जो जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री उसकी जो है वहां तक जो ईडी की जांच है वो जा पहुंची। तो लगातार जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है ईडी को कई जो तथ्य है वो लगातार मिल रहे हैं और उसी के आधार पर जो है लगातार कार्रवाई भी हो रही है। ईडी दफ्तर में समन जारी कर बुलाया भी जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। अब विष्णु अग्रवाल की जो गिरफ्तारी की बात करें तो विष्णु अग्रवाल अपना प्रभाव का जो है वो जो है वो लाभ उठाता था, प्रभाव का बल पे जो है अधिकारियों उससे वो कहीं ना कहीं दबाव अधिकारियों पर बनाता था और ये बात ईडी की जो पूछताछ में या फिर ईडी का जो तथ्य मिला है उसके आधार पर ये बात सामने आई है। क्योंकि विष्णु अग्रवाल जो है वो अपना प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता था,
इसके अलावा राजधानी रांची में जहां कहीं भी विवादित जमीन जो है उसी विवादित जमीन पे कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होता था, विवादित जमीन को ही वो खरीदता था सीधे तौर पर अगर कह सकते हैं तो ये बात तो स्पष्ट है जो ईडी की जो तथ्य ईडी को मिला है उसके आधार पर अगर बात करें तो आखिर जो इतने बड़े व्यवसायी है जो निकलेस मॉल का इतना बड़ा निकलेस मॉल है उसका वो संचालक है मालिक है और उसके द्वारा अगर खरीद बिक्री की जाती है जमीन की और वो भी विवादित जमीन की खरीद बिक्री जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते थे, अधिकारियों पे दबाव बनाते थे और उसी के बेसिस पे कह सकते हैं कि वो ऐसे विवादित जमीन को खरीदते थे। चेशायर होम में जो जमीन की जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री हुई है। अधिकारी इसमें शामिल हुआ करते थे और देखिए ऐसे अधिकारियों की संलिप्तता जब होती है दीपक तभी ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो पाता है। ये आसान बात नहीं थी। सेना की जमीन की बात कर ले आप या फिर चेशायर होम रोड की जो जमीन है वो उस जमीन पर जिस तरह से अवैध कब्जा किया गया, जिस तरह से फर्जी डीड तैयार कर उस पर कब्जा कर लिया गया, ये कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए थे और अब जब परतें खुलने लगी हैं तो सबके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी जमीन जो उसका अगर फर्जीवाड़ा होता है तो बिना अधिकारी के जो है वो नहीं हो सकता है, ये जाहिर है क्योंकि अधिकारी ही उस जमीन की जो है दस्तावेज को अगर हेरफेर करना है, दस्तावेज में कुछ छेड़छाड़ करना है तो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका जो प्रभाव है खासतौर पर लोगों पर पड़ता है क्योंकि जो ऐसे व्यवसायी जो कह सकते हैं कि एक बड़ा व्यवसायी है और उसका अगर प्रभाव रहता है और उसके दबाव में अगर अधिकारी इस तरह का काम करते हैं तो आम आदमी की जमीन सुरक्षित कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब उपायुक्त इस मामले में जो रांची के पूर्व उपायुक्त है उसकी गिरफ्तारी हुई है, निलंबित उसे किया गया है, जबकि उपायुक्त का आप जानते हैं कि जमीन का वो कस्टोडियन माना जाता है उस जिला का जहां वो पदस्थापित होते हैं डीसी के तौर पे, और उसके द्वारा अगर उसका इन्वॉल्वमेंट भू माफियाओं से रहती है, ऐसे कारोबारी व्यवसायी से रहता है जो कहीं ना कहीं फर्जी तरीका से जमीन की खरीद बिक्री करता है, तो ऐसे लोगों को अगर अधिकारी अगर संरक्षण देंगे, अधिकारी उनके इशारे पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे चीजें सामने आएगी। तो फिर आप सुरक्षा की बात किससे करेंगे? तो आप उम्मीद किससे करेंगे कि आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी भू माफियाओं से, किससे उम्मीद की जाएगी? बहरहाल आप देखिए रिमांड पर भी लेने की कोशिश की जाएगी, लंबी पूछताछ होगी तो और कई मामले सामने आएंगे। दीपक शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए विष्णु अग्रवाल कारोबारी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है देर रात, कल लंबी पूछताछ चली ईडी दफ्तर में और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। चार बार समन किया गया था तब पहुंचे थे ईडी दफ्तर और उसके बाद कई तथ्य जिन पर सवाल उठ रहे थे और वो पूछताछ में सही पाए गए, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई विष्णु अग्रवाल की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।